प्रॉपर्टी बाजार में मंदी चल रही है और होम लोन रेट अभी भी नीचे आने के आसार नहीं लग रहे हैं। ऐसे में बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लोगों को लुभाने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं और इस सब का फायदा मिल रहा है हम जैसी महिलाओं को। महिलाओं को लुभाने के लिए अब कॉस्मेटिक्स कंपनियों के अलावा दूसरे क्षेत्र की संस्थाओं में भी होड़ लग गई है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं उनके लिए सस्ते होम लोन ले आई हैं। 2013 के आखिर से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस महिलाओं को रिझाने के मकसद से कुछ अरसे के लिए सस्ती दरों पर होम लोन दे रहे हैं। अब टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस भी इस लाइन में लग गया है। इस योजना के तहत एक महिला 40 लाख रुपए का होम लोन 10.50% के बजाय 10.15% पर ले सकती है। यानी अगर 15 साल का कर्ज है तो हर महीने 864 रुपए की बचत होगी और अगर 20 साल में चुकाना है तो महीने में 935 रुपए बचेंगे। Wanted from the Tata Capital Housing, हम अपने पोर्टफोलियो में विविधता चाहते थे और हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए हमें एक फोकस भी चाहिए था। फिर रेगुलेटर NHB भी चाहता है कि हम महिलाओं को ज्यादा कर्ज दें, इसलिए हमने ये योजना शुरू की। SBI की हर लोन स्कीम में महिलाओं को 75 लाख रुपए तक का लोन 10.15% के बजाय 10.10% पर दिया जा रहा है। 75 लाख से ज्यादा के लोन भी उन्हें 10.25% पर मिल रहे हैं, जबकि सामान्य दर 10.30% है। DHFL अपनी होम लोन फॉर वुमेन स्कीम के तहत सभी महिला आवेदकों या संयुक्त आवेदनों में पहली आवेदक अगर महिला हो तो 25 बेसिस पॉइंट की छूट दे रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसमें अगर पत्नी पहली आवेदक है तो लोन में 0.25% की रियायत मिलेगी। महिलाओं के लिए ऐसी लुभावनी योजनाएं लाने वाली वित्तीय संस्थाओं की दिन ब दिन बढ़ती तादाद से बिल्डर काफी खुश हैं। बैंक ही नहीं, बिल्डर भी महिलाओं के लिए स्कीम्स ला रहे हैं। जब से बैंकों ने महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की हैं, तब से महिला आवेदकों की तादाद में इजाफा हो गया है। इसका उन राज्यों में भी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है जहां महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पर कम स्टैंप ड्यूटी पड़ती है। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के 270 करोड़ रुपए वाले होम लोन पोर्टफोलियो में लगभग 15% महिलाएं हैं। SBI और LIC हाउसिंग फाइनेंस की योजनाएं भी काफी कामयाब रहीं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं की बढ़ती संख्या और प्रॉपर्टी की मालिक बनने के लिए उन्हें मिलते सरकारी प्रोत्साहन से इस सेक्टर में महिलाओं की मौजूदगी में आगे भी बढ़त देखे जाने के आसार हैं। नई दिल्ली से ओनिता मोजा, NDTV। तो चलिए इस विषय पे और चर्चा करते हैं। हमारे साथ श्री राकेश मक्कड़ हैं, जो कि प्रेसिडेंट और चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं DHFL, और श्री अभिषेक द्विवेदी, जो कि VP है बिजनेस ऑपरेशंस और पार्टनर है मैनेजमेंट bankbazaar.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। राकेश, आपसे शुरू करते हैं। आपने भी ऐसी ही एक स्कीम अनाउंस की है जिसमें 25 बेसिस पॉइंट का रियायत मिलेगी महिलाओं को और साथ में आप डिस्काउंट भी ऑफर करें प्रोसेसिंग फीस पे, तो काफी एक लुभावना ऑफर है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा वो वर्ग है, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो इस स्कीम का फायदा उठा पाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार की उन्नति हम चाहते हैं महिला वर्ग से वो अभी तक आ नहीं पाई है, और आर्थिक तौर पर कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं ये भी अभी इस पर काफी काम होना बाकी है। लेकिन किस प्रकार की डिमांड आप देखते हैं इन स्कीम्स के लिए? हमारा मानना है कि महिलाओं को अगर अच्छा ऑफर दिया जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम हो उनके पास। हम एक स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं कि अगर महिला के नाम में प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही है तो को बॉरोअर आके उनके अपने हस्बैंड के साथ पार्टनर बनेंगी तो उनको डिस्काउंट मिलेगा 25 पैसे का। उसके अलावा हम फीस में भी छूट दे रहे हैं। तो हमारा मानना है कि 15-20% कस्टमर जो हमारे हैं वो महिलाएं हो सकती हैं, और इसे हम एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है DHFL का कि सभी वर्ग के और ख़ास करके न्यूनतम वेतन वाले वर्ग को हम जाके सर्विस करें। DHFL पूरे भारत में अगर आप देखें तो सबसे नीचे के वर्गों को लोन देती है। तो इसमें हमारा मानना है कि जो महिलाएं छोटे मोटे कारोबार भी करती हैं, जैसे कोई किराना शॉप चलाती हैं, कोई ट्यूशन करती हैं, उन लोगों को भी हम लोन देना चाहते हैं।
और उसमें यदि उनके हस्बैंड उन्हें मेन बोरोअर बनाते हैं तो हम NHB की भी प्रमोटेड कुछ स्कीम्स हैं उसमें उनको एडिशनल बेनिफिट भी देते हैं अगर वो पहली बोरोअर बनती हैं उसमें। तो हमारा मानना है कि एक तो हम महिलाओं को एजुकेशन दे रहे हैं कि उनके अधिकारों के बारे में, दूसरा उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनके नाम में भी हो सकती है, वो जिस तरह से पैसे कमा रहे हैं जैसे कि घर में ट्यूशन करती हैं या कुछ छोटा किराना दुकान चलाती हैं, तो हम लोग उसको इवैल्यूएट करके उनको लोन दे सकते हैं। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हमारा मानना है कि इसमें काफ़ी महिलाएं इंटरेस्ट दिखाएंगी। हम छोटे छोटे शहरों में भी जाके इसका प्रचार कर रहे हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्पेशल पैम्फलेट लगा रहे हैं, कैनपी शो कर रहे हैं महिलाओं को बताने के लिए कि उनके लिए स्पेशल ऑफर है। जी अभिषेक, जाहिर तौर पर मामला सारा महिला सशक्तिकरण का है, उनको बताया जा रहा है कि आपके पास भी अब ये तरीके हैं और आप भी अब अपनी प्रॉपर्टी बना सकती हैं, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कितनी खरीदार वाकई में होती हैं महिलाएं और कितना बाइंग डिसीजन में उनका हाथ होता भी है अगर वो पैसा कमा भी रही हैं उसके बावजूद। बिल्कुल, देखिए आपने दो सवाल यहाँ पे बोले, एक तो उन्होंने बोला कि कितनी महिलाएं अभी राइट नाउ एज ए मेन एप्लीकेंट जा रही हैं। अगर आप देखो कि जो हमारा बैंक बाजार का डेटा है उसमें नॉट मोर देन 10% जो महिलाएं हैं अभी मेन एप्लीकेंट होती हैं, लेकिन जहां तक आप बोलते हो कि महिलाओं का कितना योगदान होता है एक होम लोन लेने के लिए या फिर कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। अगर आप किसी भी एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में देखो तो जो भी प्रॉपर्टी ओन करने की जो एक लालसा होती है, मेरे ख्याल से वो घर में जो विमेन होती हैं वो ज़्यादा उसको पुश करती हैं। और जब ये स्पेशल स्कीम्स आ रही हैं जैसे DHFL की आएँ या फिर SBI की आएँ या फिर LIC की आएँ जो आपने बात की, मेरे ख्याल से ये उनको ज़्यादा पावर देगी कन्विंस करने के लिए अपने घर वालों को कि हमें डेफिनेटली हमें होम लेना चाहिए, या फिर ऑब्वियसली अगर होम लेंगे तो होम लोन भी लेंगे। तो इसका ड्यूअल बेनिफिट है, सबसे पहला तो ऑब्वियसली यू नो एक आप जैसे आपने बोला कि महिला को ज़्यादा पावर मिल रहा है, ये अच्छी बात है, और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि इससे एक्सपैंड होगा जो बिज़नेस जो भी बैंक इसको ऑफर कर रही हैं वो भी एक्सपैंड होगा। सो ये दो फायदे हो सकते हैं। राकेश, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बात की कि आप ऐसे वर्ग को भी लोन देना चाहते हैं जहाँ पर जो छोटे तबके के लोग हैं और जो छोटा मोटा काम करके अपनी रोज़गार चलाते हैं, लेकिन जो आपने बात कही तो जो आप लोन देंगे क्या उसमें आप एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को भी थोड़ी सी रियायत देंगे, क्योंकि देखा जाता है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी कोई भी बैंक जब लोन देता है तो एलिजिबिलिटी नॉर्म के हिसाब से देता है, इतनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए होती है, बैंक अकाउंट चाहिए और काफ़ी और नॉर्म्स होते हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं एक लोन एप्लीकेंट को, तो आप इन नॉर्म्स में भी रियायत देंगे महिलाओं को? इसमें हम बिल्कुल रियायत देंगे जब तक कि महिला का KYC डॉक्यूमेंट जिससे हमें पता चलता है जेन्युइननेस ऑफ कस्टमर, जो कि आज की तारीख में RBI का रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल होता है तो हमारा व्यक्ति महिला से मिलता है, पूरे परिवार से मिलता है, उनके साथ बैठता है, उनसे डिस्कस करता है कि वो कैसे अपना लोन चुकाएंगी। कई बार क्या होता है हमारे पास कस्टमर आते हैं जो समझते नहीं हैं कि वो 25 लाख की किस्त लोन की किस्त दे नहीं पाएंगे, तो हम लोग उनको एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए यदि आपका इतनी किश इनकम है, इतना आपको घर के खर्चे के लिए चाहिए, इतना आपको रेंट के लिए चाहिए, इतना स्कूल फीस के लिए, तो आपके इतने पैसे बचेंगे, इसमें से कुछ किसी भी कंटिजेंसी के लिए रख लीजिए, तो बाकी आप किश्त दे सकते हैं। तो इस तरह हम एजुकेट करके महिलाओं को भी पूरे परिवार को इनफैक्ट एजुकेट कर रहे हैं और उनको लोन दे रहे हैं। जैसे हम छोटी छोटी जगहों में भी 10 लाख 15 लाख रुपये के लोन देते हैं, तो और DHFL 30 साल से यही करता आ रहा है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो लोन देते हैं वो इस वर्क को समझते हैं, इसी वर्क के साथ रहते हैं। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, हम लोग जैसे छोटी जगह में जब लोन देते हैं तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कस्टमर का उनकी फैमिली का कि उनके घर में कभी शादी होती है हमारे लोगों को बुलाया जाता है, जब उनके घर का इनॉग्रेशन होता है उसमें बुलाते हैं, इस तरह का बॉन्डिंग हम बनाते हैं कस्टमर के साथ। तो इसमें हमको हिचक नहीं होती कस्टमर से बात करने में, उसकी इनकम समझने में, जैसे वो बोलती है कि मैं 4 ट्यूशन करती हूँ तो हम उससे पूछते हैं कि 4 ट्यूशन में कितना इनकम आती है, जाके हो सकता है एक दो सैंपल स्टूडेंट को भी जाके मिले, लेकिन ऐसा सब और कोई बैंक नहीं करता। दूसरे बैंक उनको बोलेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ, उसके बाद टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, पर हमारा मानना है कस्टमर को एजुकेट करो,
क्योंकि आज की तारीख में हर किसी की ज़रूरत है घर की। आज की तारीख में 4.25 करोड़ घरों की शॉर्टेज है अर्बन इंडिया में, 2.5 करोड़ शॉर्टेज है रूरल इंडिया में। तो इसको भरपाई करने के लिए एनएचपी भी सपोर्ट करता है, स्पेशल फाइनेंसिंग हमको देता है, तो हम भी उसी ऑब्जेक्टिव और मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर समय बहुत कम है अभिषेक, मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। क्या ऐसी स्कीम का मिसयूज हो सकता है कि सारे हक सारे राइट्स जो है वो हस्बैंड के पास है, लेकिन सिर्फ टैक्स की रियायत के लिए और सिर्फ इंटरेस्ट की रियायत के लिए वो उसको को ओनर बनाकर आगे कर दे और उसके एवज में लोन ले ले? क्या इसका थोड़ा सा कोई लूपहोल है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिसको बंद करने की जरूरत है? नहीं देखिए, मुझे ऐसे नहीं लगता कि इसमें कुछ लूपहोल है। देखिए अल्टीमेटली जब भी आप घर लेते हो या फिर होम लोन लेते हो, आप पूरी फैमिली के लेते हो। होम लोन ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पूरी फैमिली के लेते हो। आप कार लोन लेते हो, कई बार आप सिर्फ अपने लिए लेते हो, आप पर्सनल लेते हो, कई बार सिर्फ अपने लिए लेते हो, लेकिन होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पूरी फैमिली के लिए ही लेते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस केस में इसका कोई मिसयूज हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे जब भी एक हाउस बाइंग का डिसीजन होता है, मेरे ख्याल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये वुमेन सेंट्रिक होता है, वुमेन ड्रिवन होता है। तो वुमेन कन्विंस करती हैं कि हमारे पास एक सेंस ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, ये वुमेन में ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्कीम है, ये इसके सब जगह फायदे ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई या फिर लॉन्ग टर्म में भी इसका कोई मिसयूज हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया है, आप दोनों ने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो आशा करते हैं कि ये इतने सारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उससे मेरी जैसी महिलाओं को ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपके नाम पर मकान होता है तो एक छोटी सी ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, उससे भी आप इंडिपेंडेंट होती हैं और आपको मौका मिलता है अपने पैरों पर खुद खड़े होने का। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे हॉट, कहीं जाइएगा मत।